उत्तराखंड में एक ट्रांसजेंडर ने कुछ ऐसा किया जो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के लिए मिसाल बन गया। अदिति शर्मा उत्तराखंड की पहली ट्रांस महिला जिसने बधाई से तोड़ा नाता, स्वाभिमान के साथ खोला खाता, शुरू कर दिया निवाला प्यार का। अदिति की कहानी है इंटरेस्टिंग, हर किसी को सुनना चाहिए गौर से। अदिति की कहानी समाज को बदलने के लिए है काफी। एक ट्रांसजेंडर जिसने हमारे समाज में ट्रांसजेंडर लोगों को मांगने खाने और गाने बजाने तक ही सीमित रखा था, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ट्रांसजेंडर ने कुछ हटकर ऐसा कर दिखाया जो अभी तक पूरे उत्तराखंड में किसी ने नहीं किया। अदिति ने एक ऐसी मिसाल पेश की जो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश में चर्चा का विषय है। जिसने भी अदिति के जज्बे को देखा उसकी जुबान पर बस यही बात है, अदिति ने समाज को बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आने के बाद भी अदिति शर्मा ने एक ऐसे रास्ते पर चल रही है जो इंस्पायरिंग है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए अदिति को किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ा, आइए आपको तफसील से बताते हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट के छोटे से गांव के रहने वाली अदिति शर्मा उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अदिति का जन्म बड़कोट के एक छोटे से गांव में हुआ, परिवार ने उनका नाम सुनील रखा था, लेकिन जैसे जैसे वो समाज के बीच जाने लगी उन्हें कई तरह की बातों का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि उन्होंने बचपन में इन बातों के अलावा कई तरह के शोषण को झेला, इसके बाद परिवार ने भी उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन वो हारी नहीं, अपनी कम्युनिटी के बीच पहुंची तो यहां भी दूसरी तरह का नजरिया झेलना पड़ा। किसी तरह से खुद को समाज में फिट करने की कोशिश की, पहाड़ों में गांव में जाकर बधाई मांगना और लोगों की खुशी में शामिल होने की कोशिश करती रही। इस बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अदिति की जिंदगी बदल दी। दरअसल अदिति पहाड़ के एक दूरस्थ गांव में बधाई मांगने गई। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, जहां उनकी कम्युनिटी के लोगों ने पैसे न मिलने पर काफी हंगामा किया। दुल्हन रोते हुए अपने पैसों की माला तोड़कर उन्हें किसी तरह 5,000 रुपए इकट्ठा कर दिए। ये देख अदिति को काफी दुख हुआ। उन्होंने फैसला लिया कि किसी के घर में झाड़ू पोछा लगा लेंगी, लेकिन इस तरह किसी से पैसे नहीं मांगेंगी। इसके बाद अदिति की ओर से एक प्रयास किया गया, स्वरोजगार की ओर अदिति का ध्यान गया। अदिति ने धीरे धीरे सामाजिक संस्था और सरकारी विभागों से मिलकर स्वरोजगार तलाश किया। आखिरकार PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उन्हें स्वरोजगार की ट्रेनिंग ली, जिसमें खाद्य जिला ग्राम उद्योग अधिकारी की भी काफी मदद मिली। ट्रेनिंग के बाद अदिति ने एक फूड वैन खरीदा और देहरादून के पथरी बाग पर चलाने की परमिशन ली। फूड वैन का नाम अदिति ने रखा निवाला प्यार का, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अदिति ने अपने फूड वैन में पत्ते वाली मैगी, मोमोज, सैंडविच, बड़ा पाव, चाउमीन, अरहर की दाल और चावल, राजमा चावल, कुल्हड़ वाली चाय आदि कई पकवान शामिल किए। जल्द ही वो पहाड़ी व्यंजन भी इसमें शामिल करेंगी। अदिति ने इस फूड वैन में अपने साथ 4 से 5 लोगों को जोड़ा है, उनको भी अदिति रोजगार दे रही है। ये सब अदिति के कम्युनिटी के लोग हैं। फूड वैन के लिए उन्हें सरकारी विभाग से काफी मदद मिली, उन्हें इसके लिए लोन नहीं मिल रहा था। ये वैन उन्होंने 4.5 लाख रुपए में खरीदी, जो कि PNB से लोन करवाया। अदिति ने कहा कि उन्हें इस काम को शुरू करने में अपनी ही कम्युनिटी के विरोध का सामना करना पड़ा। वो कहती हैं कि भले ही समाज में ट्रांसजेंडर के लिए काफी कुछ बदला है, लेकिन अभी भी समाज को काफी बदलने की जरूरत है, जिससे उनकी कम्युनिटी के लोग भी आगे आकर अपना काम शुरू कर सकें।